पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का मालगांव कारपेट नगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसे पश्चिम बंगाल का बनारस क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे का राज, देखिए हमारी संवाददाता पिया गुप्ता के साथ ये खास रिपोर्ट। कारपेट नगर के नाम से पहचाने जाने वाला उत्तर दिनाजपुर का छोटा सा गांव मालगांव बहुत खूबसूरत है। ये छोटा सा गांव आज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने काम से अलग मुकाम बना चुका है। जी हां, पश्चिम बंगाल का ये गांव बंगाल का वाराणसी भी कहा जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहां के लोगों के पास कोई काम नहीं था। यहां के लोगों को काम के लिए दर दर भटकना पड़ता था, मगर रातों रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव की पहचान ही बदल कर रख दी। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हम अपनी टीम के साथ ही पहुंचे मालगांव यानी कारपेट की नगरी में पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात कारपेट के बादशाह कहे जाने वाले अबू तहारे से हुई। अबू तहारे ने रातों रात कारपेट नगरी बने इस गांव के पीछे की कहानी खुद ही बयान की है। उन्होंने बताया कि 1978 में काम की तलाश में वो लोग वाराणसी चले गए, जहां जाकर गांव के कुछ लोगों ने कारपेट का काम सीखा। काम सीखने के बाद वो लोग अपने गांव वापस आ गए। उस समय काम और रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे गाँव के लोगों की हालत उनसे देखी नहीं गई, जिसके बाद उन्होंने सरकार से शिशु श्रमिक विद्यालय खोलने की मांग की। गाँव की आने वाली पीढ़ी को काम की दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने सरकार पर एक श्रमिक विद्यालय खोलने का हर मुमकिन जोर डाला, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालय खुला। फिर क्या था, धीरे धीरे गांव के बच्चे और युवाओं को उन्होंने कारपेट से जुड़ी जानकारियां दी, जिसके बाद 2009 में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद सोसाइटी के जरिए सरकार ने 55 लाख की मदद दी। इस मदद ने रातों रात इस गाँव को एक अलग पहचान दे दी, जिसे कभी कोई जानता भी नहीं था। वो गांव अपने काम के लिए आज विदेशों में भी नाम कमा रहा है। एक्चुअली जेटा जुड़े हमरा सरकारे जदि अनुदान पाई ताले मालिकों किछु बाचे आर हमरा जे कृषक राचे जेटा काजे लेबर लेबर भुक्त सेटा हमरा बाहरे जेते पारि ना। आर एक्चुअली एखाने काज जदि बंद थाके ताले आमाके एक्चुअल विदेशे चले जेते हय, जेरकम हरियाणा आछे एखन बर्तमान, कारण जे एखन एखाने कोनो काज नाई, আমরা এখানে বসে থাকতে মনে মধ্যে 400 টাকা আমি কাজ করে নিতে পারবো, কিন্তু সেটা সরকার তো কিছু দিচ্ছে না। সরকারের যদি কিছু যদি কিছু সহযোগিতা করি তাহলে আমরা কাজ করতে পারতাম এখানে গ্রামে। বলে बात करें वर्तमान की तो आज यहाँ 300 से अधिक महिलाएं अपनी रोजी रोटी का इंतजाम इसी काम से करती हैं। आज दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश में भी कारपेट मार्केट में मालगांव की धूम है। वहीं बात करें अबू तहारे की तो उनकी मेहनत और दूरदृष्टि ने उन्हें इस गांव का भगवान बना दिया। यहाँ के लोगों के लिए वो रियल लाइफ हीरो से कम नहीं है, जिसने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचा दिया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक छोटा सा गाँव मालगांव। एक समय इस मालगांव में काम नहीं मिलने के कारण लोग इधर उधर भटकते थे, बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या भी कर लेते थे, मगर आज वही मालगांव अबू ताहिर जी की कड़ी मेहनत के कारण हो बैठा कारपेट नगरी। जी हाँ, इस मालगांव का कारपेट सिर्फ देसी नहीं विदेशों में भी प्रसारित हो गया। आज इस गांव का कारपेट सिर्फ पूरे देश भर में जनप्रिय है। आज इस मालगांव को इसीलिए लोग एक ही नाम कारपेट नगरी नाम से जाना जाता है। उत्तर दिनाजपुर से पिया गुप्ता। खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।